अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आईटी स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताऊंगा कि वो बेसिकली होती क्या है और इसके वेरियस यूजेस क्या होते हैं। यहाँ पे दो वर्ड यूज़ किए गए हैं, एक इंफॉर्मेशन और दूसरा टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन वो चीज़ होती है या वो डेटा होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, और कंप्यूटर को प्रोसेस करने के बाद जो हमें आउटपुट की फॉर्म में देता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और टेक्नोलॉजी वो चीज़ होती है जो इस चीज़ और इस फ़ायदे के लिए वेरियस डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक हो कोई भी हो या कोई जदीद लिबॉर्फी या कुछ भी हो, वो उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। बेसिकली मैं आपको सिंपल वर्ड में इसकी एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप किसी कंपनी में जाएं और वहाँ पे हमें जाके कहें कि हमें ये फ़लाँ फ़लाँ किस्म का कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वहाँ पे जो आपको डील कर रहा होगा वो आईटी स्पेशलिस्ट आदमी ही होगा। आपके वहाँ से फ़ौरन जाते ही वो एक मीटिंग कंसल्ट करेगा। उस मीटिंग में तीन टाइप के जो है स्पेशलिस्ट होंगे। एक फर्स्ट होगा आईटी स्पेशलिस्ट, सेकंड होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और थर्ड होगा कंप्यूटर साइंटिस्ट जो कि कंप्यूटर फील्ड का में टेक्निकली इन्वॉल्व होगा। आईटी स्पेशलिस्ट का काम है आप सारी का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तक पहुँचा देना। सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस इंस्ट्रक्शन पर वर्क करना है, वर्क करते हुए वो एक सॉफ्टवेयर डिवेल्प करेगा। डिवेल करने के बाद उसको चेक और उसकी जो भी इंस्ट्रक्शन को चेक करने के लिए, एरर्स को चेक करने के लिए वो उसको डिलीवर कर दिया जाएगा कंप्यूटर साइंटिस्ट के पास। कंप्यूटर साइंटिस्ट उस पर वर्क करेगा और उसको ऑल कंस्ट्रक्शन क्लियर करने के बाद उसको पास कर देगा। इस तरह कोई भी कंपनीज या कोई भी जो डिफरेंट कंपनी हो गई हैं, जैसे एंड्रॉयड हो गई, एम्पल हो गई, इस तरह ये अपना सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट करते हैं। अब मैं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ बताता हूँ कि ये किस साइड पे यूज़ होती है। हम स्पेसिफिकली ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डाटा शेयर करने में यूज़ करते हैं, जिसे हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी कहते हैं, स्टोरेज या वीडियो गेम्स आप जो खेलते हैं, या प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट फंडामेंटल्स, ये जो चीज़ें होती हैं बेसिकली आईटी पे ही मुश्तमिल होती हैं। आईटी में आपको बहुत ज़्यादा फील्ड ऐसी मिल जाती हैं जॉब लेवल के लिए, जैसे आप वेबसाइट डेवलपमेंट बन सकते हैं, उसके बाद डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, उसके बाद आप बन सकते हैं रोबोट्स में भी जा सकते हैं, नेटवर्क्स में भी आप जा सकते हैं। आईटी एक बेसिक चीज़ है, ये आपको फर्दर फील्ड में डिवाइड कर देगी। आप जिस फील्ड को चूज़ करेंगे ये आईटी उसका बेसिक पॉइंट है, इससे आप आगे फर्दर फील्ड में जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो आईटी के बारे में लिखा है इसके बारे में मैं आपको गाइड करता चलूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ जनरल टर्म डैट डिस्क्राइब एंड टेक्नोलॉजी डैट हेल्प टू प्रोड्यूस मैनिपुलेट्स स्टोर्स कम्युनिकेशंस एंड और डिसमिनेट इंफॉर्मेशंस। आईटी मर्ज्स कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशंस लिंक्स कैरिंग डाटा साउंड एंड वीडियोस। एग्जाम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी include personal computing but also a new form of telephones, television, applications and various handheld devices. Information technology के जो students हैं, जो first semester में या last semester में जो भी हैं, उनके लिए ये एक opportunity है कि वो मेरा channel subscribe करें। उनको मैं further video upload करता रहूँगा, जैसे ICT इंट्रोडक्शन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीए फंडामेंटल प्रोग्रामिंग और कैलकुलस जैसी जो भी बुक्स या लेक्चर हैं उनके बारे में मैं अपलोड फर्दर करता रहूँगा वीडियो में। तो प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब करें और फर्दर आईटी और इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। थैंक यू वेरी मच।